तो गाइज आपको मैं दिखाऊंगा इस चेनसा मशीन में पिस्टन कैसे सीज होता है, किस वजह से सीज होता है, तो इसको मैं लाइव दिखाऊंगा, जैसे आप लोग को सामने देख सकते हैं। तो इस मशीन को दिखाते हैं इधर से। तो अभी हमने सलेंसर खोला है तो अभी इसका कंपटीशन नहीं बनाया, देख सकते हैं इसका पिस्टन अभी सही है, इसी की वजह से आप देख सकते हैं पिस्टन की सीज कैसे होते हैं। देखो अभी पिस्टन सही है, तो इसको खोल के मैं दिखाता हूँ अंदर कहीं लॉक वॉक तो नहीं टूटा, तो चलता हूँ मैं इसको खोल लेता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखो 5 वोल्ट इसको हमने खोल लिया है, तो इसको प्लग भी खोल लेता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ ऐसे इस तरीके से, इसको निकाल लिया। अब फिर उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ये भी पिस्टन, तो जैसे सिलेंसर से टाइप में इसका पिस्टन सीज नहीं दिखा रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस पैकिंग जो लगता है पैकिंग को हटा दिया हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसका कार्बेटर भी खोल लेता हूँ, कार्बेटर खोलने के बाद प्लग खोल के, तो इसका ब्लॉक जो पिस्टन होता है पिस्टन का देख लेता हूँ, कहीं लॉक वॉक टूटा होगा, तो जैसे लॉक टूटा आएगा तब भी कंप्रेसर नहीं बनाएगा इसका, तो वही देख सकते हैं हम लोग इसको खोल रहे हैं इस तरीके से पिस्टन की। और गाइस देख सकते हैं अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं मैकेनिक के बारे में ऐसा ही जानकारी देता रहूँगा आप लोग को। देख सकते हैं हमारे पास कितना मशीन बनने के लिए आई है, यहाँ है, यहाँ सब मशीन को मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग को दिखाऊंगा, फिर वहाँ पे भी मशीन देख सकते हैं। तो इसको पहले मैं आप लोग को समझा दूँ इसमें क्या दिक्कत है, तो बने रहें हमारे चैनल पर। देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल से जगह जो पाइप निकालें तो पेट्रोल इसमें आ रहा है, फिर इसको हम खोल लेते हैं यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक पीतल का टाइप में जैसे लगता है उसको भी निकालना पड़ेगा, इसको पूरा इसका सेटिंग निकालना पड़ेगा इसको, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस इसका सब पार्ट खुल गया, प्लग भी खोल लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे लंकी 4 नंबर जैसे टिपाना टाइप में, अगर आपके पास नहीं तो यही वाला लंकी आप इस्तेमाल करना, क्योंकि यही सक्सेस है इसमें खोलने के लिए, काम करने के लिए। तो फिर यही 4 बोल्ट हम लोग खोल लेते हैं, तो उसके बाद दिखाता हूँ इसका, जैसे बाहर से तो नहीं दिख रहा इसका पिस्टन सीजे, तो अभी इसको मालूम चल जाएगा पिस्टन खोलेंगे हम लोग, क्योंकि किक मार रहे हैं तो कंप्रेसर इसका नहीं बना रहा है, तो इसी की वजह से दिक्कत होगा। अब मैं अभी देखता हूँ पिस्टन पर कटा है कि नहीं, तो कस्टमर मुझको ऐसे ला के दे के गया इसमें, देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम चेक किए तो कंप्रेसर नहीं बन रहा था। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ से पूरा हमने खोल लिया है, तो बाहर से तो लगा पिस्टन अभी सही है, तब इधर से देखता हूँ यहाँ से पूरा एकदम इसका, देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं हम जान गए थे इसका पिस्टन ख़राब है, देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे लॉक लगता है पिस्टन इसका कट लग गया, यही लॉक टूट के पिस्टन काट देता है। तो गाइस अगर आप पिस्टन बांधते हैं तो पिस्टन को ध्यान में रखें, पिन जो पिस्टन का लॉक होता है इस साइड मत लगाएं, इसी साइड में लगाएं, तो पिस्टन में देख सकते हैं इसका ऐसे ही लॉक टूट के पिस्टन काट देता है, पिस्टन ख़राब हो जाता है, कंप्रेसर नहीं बनाता है। तो ये देख सकते हैं जिसे किक मारने के बाद पता चल जाता है कंप्रेसर नहीं बना, तो अगर कंप्रेसर नहीं बनता तो आप सिलेंसर खोलें तब भी पिस्टन इसका सही है। तो इसको पिस्टन को मैं खोल के दिखा देता हूँ इस तरीके से कैसे इसका लॉक टूटा है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसका पिस्टन, देख सकते हैं लॉक इसका कट चुका है, तो ऐसे ही पिस्टन में दिक्कत आता है। अगर इधर से बाहर से देखने पर सही लग रहा था तो हम भी सोचें पिस्टन सही होगा, तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे। तो पिस्टन को खोलें हम लोग, कंप्रेसर इसका देखें लॉक टूटा था, तो यही पिस्टन से लॉक टूट के पिस्टन काट देता है, कंप्रेसर नहीं बनाता है। तो यहाँ पर ब्लॉक है तो ब्लॉक में भी कट चुका होगा, देख सकते हैं यहाँ पर कोने पर इसका भी कटा है, कट लगा है इसमें, तो ये पिस्टन और ब्लॉक न्यू डालना पड़ेगा। अगर आपको जैसे न्यू ब्लॉक नहीं डालना पाता है, जैसे पिस्टन दूसरा डालने के लिए, तो लिंक में वीडियो पर जैसे लिंक दिया रहेगा उस पर क्लिक करके आप पिस्टन भी सीख जाएंगे कैसे पिस्टन को डालना है। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में गाइस, अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।